नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 5 से अधिक लोग पंचायत चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेंगे और न ही कोई दावत करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा गठित टीमें पैनी नजर बनाई हुई है। अगर कोई भी 5 से अधिक चुनाव प्रचार करते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आजमगढ़ जिले में तेजी से कोरोना का संकट बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी ने सोमवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सख्त निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपने साथ 5 से अधिक लोगों को लेकर प्रचार नहीं करेगा। अगर वह किसी प्रकार की दावत या पार्टी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। गांव में उनकी टीमें पैनी नजर बनाए हुए हैं। अगर कोई भी 5 से अधिक लोग प्रचार करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा गठित टीम व पुलिस ने संयुक्त रूप से 2 दिनों के अंदर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। ऐसे लोगों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। बेसिकली इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठक डेली सुबह 10 बजे जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ होती है, जिसमें कि कोविड की क्या स्थिति है और साथ में पिछले दिन क्या कार्रवाई की गई उसकी समीक्षा और आगे के लिए कार्ययोजना बनती है। कल हमारे जनपद में 53 नए केस आए हैं, तो उनकी सैंपलिंग के संबंध में और जो वैक्सीनेशन का ड्राइव चल रहा है उसके संबंध में बैठक की गई है और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो वैक्सीनेशन का टारगेट है वो डेली पूरा किया जाए, सैंपलिंग जो टेस्टिंग हुई है उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको सेम डे आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उनकी टेस्टिंग करके उनको होम आइसोलेशन में जो पॉजिटिव आते हैं उनको रखा जाए। और साथ में नए निर्देश भी आए हैं कि अब जो कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका कंटेनमेंट जोन बनना है, उसके निर्देश आए। जैसे एक आता है ग्रामीण क्षेत्र में तो या शहरी क्षेत्र में, एक अगर पॉजिटिव आता है शहरी क्षेत्र में 20 घरों को आसपास के उसके अंदाजन घरों को कंटेनमेंट जोन बनाना है, और अगर एक से अधिक परिवार आता है तो और थोड़ा बढ़ेगा, तो उसी की समीक्षा आज कर रहे हैं। इसलिए नगर क्षेत्र के EOs वगैरह सबको बुलाया भी गया है, तो क्योंकि कोरोना का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है सभी जानते हैं, तो मैं पुनः आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करता हूँ कि जो फ़ोन कंट्रोल कमांड सेंटर से जाता है, जो भी पॉजिटिव पाए जाते हैं सबको फ़ोन जा रहा है, तो वो उसका पालन करें जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो दवाई बताई जा रही है वो उसका सेवन भी करें और साथ में घर से बाहर ना निकलें जब तक कि वो नेगेटिव नहीं आ जाते। और जो कॉन्टैक्ट्स भी हैं जो उनके संपर्क में आए हैं उनको भी बताया जा रहा है, तो वो भी जब तक उनका सैंपलिंग ना हो जाए या जब तक अपनी अवधि पूरी ना कर ले वो घर में रहेंगे, तो ये उनको सभी को इसका इनका पालन करें, अन्यथा इसको रोकना मुश्किल होता है। तो हम जैसे पिछली बार भी हम लोग कोविड पे कंट्रोल कर पाए थे, इस बार भी इस बढ़ते संक्रमण को हम रोक पाएंगे अगर सभी जनपदवासी इसमें बढ़ चढ़ के पिछली बार की तरह सहयोग करेंगे। खुले में मास्क के बिना ना निकले, ये सबको सबसे अनुरोध है, और साथ में 2 गज की दूरी बनाए रखें। और जो वैक्सीनेशन का टारगेट है हमारा सबके लिए खुल गया है, जो 45 साल से ऊपर है, तो 45 साल से ऊपर जनपद का कोई भी वासी हो वो अपना अपने ब्लॉक में जो आपके सेंटर बनाए गए हैं वो अधिसूचित किए गए हैं, उन सब में आके बढ़ चढ़ के अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवाएं। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।